अब आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां सेनेट में श्री मिजारी इस वक्त इशारे ख्याल कर रही हैं। नॉट इनफ, इट इज नॉट इनफ। हमारी कमिटमेंट है, हमारी ऑब्लिगेशन है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करें, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको हम अपोज करें और सारी दुनिया को, ठीक है हम कहते हैं कि नोटिस नहीं ले रही, तो मुझे बताएं जो कश्मीरी डायस्पोरा यूरोप में है वो क्यों सो रहा है? उनके उनकी आवाज बहुत कीमती है, इलेक्शंस आते हैं यूरोपियन ममालिक में, क्यों कश्मीरी डायस्पोरा नहीं इकट्ठा होता और अपनी स्ट्रांग आवाज उठाता? और आपको मैं बताती चलूं कि हमारा केस क्यों इतना स्ट्रांग है कश्मीर का यूएन में, क्योंकि हिंदुस्तान इस केस को लेके गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे लोग भूल जाते हैं, चैप्टर 6 के अंडर लेके गया है, चैप्टर 7 के नहीं, अंडर द चार्टर। चैप्टर 7 के ले जाता तो इट वुड हैव अक्यूज पाकिस्तान ऑफ बीइंग एन अग्रेसर स्टेट, ये नहीं किया। चैप्टर 6 का टाइटल है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। इसका मतलब है जब वो गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया, उन्होंने ये मान लिया कि कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक डिस्प्यूट है अमंग्स टू मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और उन्होंने यूएन के पास गए क्योंकि वो चाहते थे ये पीसफुली रिजॉल्व हो। ये पॉइंट भी हम नहीं रेज करते। तो मिस्टर चेयरमैन, आई एम वेरी ग्लैड रेजोल्यूशन आई है, अच्छी स्ट्रांग रेजोल्यूशन है, और मैं समझती हूं कि ये हम अगर एक साल बाद हम फिर ना यहां खड़े हों और इसी तरह कश्मीर पे बात कर रहे हों क्योंकि एक और अपराइजिंग आ रही हो, हिंदुस्तान का जो रियासती वो दहशतगर्दी है वो बढ़ती जा रही हो, और फिर हम आके एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, एक रेजोल्यूशन दे। वी हैव टू मूव बियॉन्ड दिस, दिस इज सिंपली नॉट इनफ। थैंक यू। थैंक यू मिनिस्टर मजारी। बट एक चीज मैं आपसे चाहूंगा, मुश्ताक साहब आप प्लीज बैठे, एक चीज मैं आपसे चाहूंगा कि आपने पिछली गवर्नमेंट्स की तो बात कर ली, आप हमारे साथ किसी वक्त, आप या फॉरेन मिनिस्टर, प्लीज कम एंड शेयर योर प्लान विद अस, व्हाट डू यू प्लान टू डू, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। प्लीज टेल यू टू थिंग्स ऑन विच वी आर मूविंग। वन, वी आर गोइंग टू मूव द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का जो वो रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाई जाए टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर। दूसरी चीज मैं भूल गई कहना, एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है थैंक्स टू आर एमईपीज जो हैं यूरोप में, कि यूरोपियन पार्लियामेंट पहली दफा इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है ओपन पब्लिक उस पे ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर। तीसरा, एज आई सेड, वी आर वर्किंग ऑन अ कॉन्क्रीट ब्लू प्रिंट फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल जो हम पेश करेंगे। तो ये तीन स्टेप्स तो मैं, एक तो खैर यूरोपियन पार्लियामेंट की डेवलपमेंट है विच इज एन एक्सलेंट डेवलपमेंट, एंड दूसरा हम ये जैसे मैंने आपको बताया वी आर ट्राइंग, और ये वी आर गोइंग टू मूव द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल बिकॉज ये दे आर बाउंड टू क्रिएट दिस कमीशन, दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स हाई कमीशन ऑफिस। और एक और चीज जो हम अब करेंगे वो ये है कि जो पहले हमने पिछली हुकूमत ने गलती की कि हमने नहीं इनवाइट किया यूएन हाई कमिश्नर, ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर, दे डिड द रिपोर्ट कि आके देखें यहाँ क्या हालात हैं और आईओके में क्या है। हम समझते हैं हमें करना चाहिए था, और नाउ एटलीस्ट माय मिनिस्ट्री इज एट द मोमेंट टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, वी वुड लाइक टू इन्वाइट द यूएन, द न्यू यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स टू कम एंड विजिट। तो क्योंकि अगर हम पहले बुला लेते जो पाकिस्तान के लिए रिकमेंडेशंस रिपोर्ट में आई है वो टोटली इररिलेवेंट टू कश्मीर बिकॉज हमने उनको बुलाया नहीं ना बातचीत की। जी थैंक यू। इट हैज बीन मूव्ड दैट अंडर जी।